अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं अकबर हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अकबर हसन ऑफिशियल। बहुत दिनों बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूं। कुछ एजुकेशनल रीज़न थी जिनकी वजह से इतने दिन गहराते रहा हूं। खैर वो अभी भी चल रही हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि साथ साथ ये दोबारा काम स्टार्ट करें, क्योंकि काम होगा तो कुछ होगा, काम ना बंदा करे तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं आ सकती। तो साथ साथ बंदा काम करता रहे तो वो बेहतर रहता। तो अगर आप मेरा व्लॉग पहली मरतबा देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो दोस्तों, जो देहाती हैं वो तो जानते होंगे कि असू कत्ते के दिन हैं, और ये दिन पंजाबियों के लिए और ख़ास तौर पर देहातियों के लिए बहुत मसरूफियत वाले दिन होते हैं। तो इसी सिलसिले में आज चाचू वो गंदम वगैरह काश्त कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ डेरे पर रोटी लेकर, और अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आपको शुगर मेरा दिखाते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी जो धान थी वो हमारे पास काटी जा चुकी है, अब सिर्फ जो सुपर इंडिया की है किस्म धान की वो बची है, तो वो भी अब किसान काट रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं ये कटी हुई है, और सामने आप नई फसल जो है उसकी तैयारी के लिए जो हल वगैरह किसानों ने चला दी है अपनी ज़मीन पर, और ये ज़मीन तैयार भी पड़ी है। हो सकता है कि यहाँ पे गंदम काश्त कर दी गई, और ये जो करते हैं ना किसान, ये बहुत गलत करते हैं। अपनी फसलों को आग लगा कर एक तो इससे ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, और दूसरा जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि आसपास का जो माहौल इतना गर्द आलूद है, वो भी इसी वजह से हो रहा है। और ये जहाँ पर इस फसल में पानी लगा हुआ है, ये आप जानते हैं जिस चीज़ से साग बनता है सरसों, वो यहाँ पे काश्त की गई है, और अभी ये बहुत छोटी छोटी है, जबकि इधर सरसों का जो है ना वो साग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। मतलब इतनी इतनी हो जाए तो बंदा इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकता है, चारे के तौर पर तो नहीं लेकिन पकाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। और ये इधर सरसों काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो उधर वो सामने चाचू जो है ना वो गंदम काश्त कर रहे हैं, तो अब भी जाते हैं वहाँ पे उनको रोटी देते हैं और फिर वापसी घर। जबकि इस तरफ कुछ मेरे ख़्याल में प्याज वगैरह काश्त की गई, और ये पालक वगैरह, पालक और सरसों का जो है ना वो बहुत जोड़ है, ये जब तक दोनों आपस में ना मिलें तब तक साग तैयार नहीं होता। और ये थोड़ा बहुत कमाद काश्त किया गया। और दोस्तों, ये है हमारी ज़मीन जहाँ पे अभी हल चलाए गए हैं, और यहीं पे हमने जो है ना गंदम काश्त करनी है। हमारी ज़मीन के दो हिस्से हैं, जो पुराने व्यूअर हैं वो तो जानते होंगे, एक वो उस तरफ है जिस तरफ आपको सफ़ेदे नज़र आ रहे हैं नार की तरफ, और एक थोड़ा सा आगे है। तो यहाँ पे अभी गंदम काश्त करनी है, वो सामने ट्रैक्टर हमारा खड़ा है, और चाचू थोड़े दूर हैं, वो पिछली आगे वाली ज़मीन को पानी उन्होंने लगाया। और ये देखें दोस्तों, यहाँ पे सांप की ये जो है ना कपड़े उतरे पड़े हैं, और काफ़ी बड़ा सांप है, पता नहीं अब है आसपास ये कहीं गुम हो गए। तो ये है हमारा ट्रैक्टर, और उधर चाचू जो है ना वो पानी लगाए हुए हैं, आप लोगों को नज़र आएगा या नहीं, गुम करते रहते ये वाले। तो दोस्तों, ये वाला एरिया जो है ना, ये चकमंगला की जो है ना हदूद में आता है, वो सामने जो घर नज़र आ रहे हैं चकमंगला के शुरू हो रहे हैं यहाँ से। और ये हमारी ज़मीन, ये तो मेरे ख्याल में मौत अजरौला में है, और इससे थोड़ा आगे जहाँ पे वो बच्चे जा रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से जो है ना चकमंगला की हदूद शुरू हो रही है, हमारा जो करीबी गांव है। दोस्तों, ये पीछे आप देख सकते हैं समोक इस दफ़ा बड़ी जल्दी बन गई है, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना धान को लोगों ने बहुत आग लगाई है। पिछली दफ़ा तो जो है ना हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया था, इस दफ़ा वो थोड़ा देर से एक्टिव हुए हैं, और किसानों ने ना धड़ाधड़ आग लगाई है, और ये बन गई है अब समोक, और ये काफ़ी जो है ना हद तक बढ़ चुकी है, और लोगों की आँखें ख़राब हो रही हैं, गला ख़राब हो रहा है इसकी वजह से। खैर दोस्तों, लग रहा है कि इस दफ़ा दोबारा जो है ना सर्दी पिछले साल की नस्बत ज़्यादा पड़ेगी, और ये जो समोग है ना ख़ासकर इसकी वजह से भी, और आने वाला मौसम जो है ना वो शदीद सर्द होगा। अभी तो खैर इतनी सर्दी नहीं है, इतनी धूप भी नहीं निकलती, लेकिन सर्दी ज़्यादा नहीं है।
बंदा मतलब आम कपड़े में गुजारा कर सकता है। तो यहाँ तक पानी पहुँच चुका है, यहाँ जहाँ पे आपको ये परिंदे नज़र आ रहे हैं, और अभी ये इतनी एरिया जो है ना बाकी बचा हुआ है। ये आए तो खैर मुकम्मल नहीं होगा, अगली बारी पे शायद हो जाए। तो दोस्तों, गंदम की बुआई और कटाई के वक्त इस तरह किसान ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, और ये किसी 5-स्टार होटल से हमारे लिए कम नहीं है, बड़ा मज़ा आता है। तो फाइनली दोस्तों, रोटी दे लिया चाचू को और अब जा रहे हैं हम घर, और घर जाकर मज़ीद शुगर मेला इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं। अब दिन छोटे हैं, शुगर मेला तो खैर पहले वाला नहीं लगता जो गर्मियों में था, मतलब खेलें वगैरह। आप दिन छोटे हैं और बंदे जो है ना अपना काम कार के मुश्किल से जो है ना फ्री होते हैं। यार एग्ज़ाम की वजह से जो है ना 2-3 मंथ मैं काम सही नहीं कर सका, और इस वजह से जो मेरी मेहनत की हुई थी मैंने इतनी ज़्यादा, मतलब 1 महीना मैंने जो है ना लगातार काम किया और चैनल मेरा काफ़ी ग्रो हो गया था, अब वो धड़ाम से नीचे गिर गई है और अब नए सिरे से मुझे जो है ना लगना पड़ेगा। अब भी खैर वो एजुकेशनल मसरूफियात हैं और मैं सही तरह से काम नहीं कर सकूंगा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत बंदा होता रहेगा ना साथ साथ, तो वो बेहतर रहेगा। चलो कुछ जो है ना इंगेजमेंट बढ़ती रहे, और जब बंदा काम दोबारा नए सिरे से मतलब लगातार स्टार्ट करे तो वो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये सोच कर मैं अब दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपसे भी तावन की अपील है। यार आप जिस तरह बड़े क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं, इस तरह हमें भी सपोर्ट करें, ताकि जो है ना हमारे जो ज़ाहरी बात है, अब आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ से इनकम भी आती है, और जो इनकम आएगी उससे हम अपनी एजुकेशनल जो हैं ज़रूरियात वो भी पूरी करेंगे, अपने घर वालों की भी पूरी करेंगे, और जो दीगर वाजिबात हैं वो भी इंशाल्लाह इसी से पूरी करेंगे। तो एक तरह से आप लोगों का ये सदका जारी होगा हमारे लिए। इस दफ़ा सीन को यूँ है कि जो हमारे पास धान की फसल थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले फसलों की निस्बत बड़ी बेहतरीन हुई है, औसत काफ़ी ज़्यादा है, और रेट जो था, जो हमारी सबसे पहली धान की किस्म होती है एक, उसको हम अपनी ज़बान में तो मेरे ख्याल में सट्ठी कहते हैं, उसका रेट काफ़ी बेहतरीन था, और जिन्होंने वो काश्त की हुई थी वो काफ़ी मतलब ना फ़ायदे में रह गए। और फिर जो है ना रेट कम हो गया आहिस्ता आहिस्ता, अब आखिर पे बारी आती है सुपर इंडिया की, तो इसका रेट वो वाला नहीं था जो इसका होना चाहिए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना बेहतरीन औसत भी थी, और अच्छा खासा जो है ना वो इनकम दे गई है ये धान किसानों को। हमारी तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस दफ़ा हमने 2-3 साल बाद काश्त की है, 1.5 किला, 1.5 एकड़ जो मतलब था ना हमारा वो थी धान, और फिर भी वो 47 बोरियाँ मेरे ख्याल में हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना बेहतरीन हुई है। और दोस्तों ये थी हमारी धान, ये जो धान की बागियात बाहर बन्नों पे निकली पड़ी हैं। हमारे जो है थे ना हमसाए, उन्होंने तो आग लगाई थी यहाँ पे, अभी हाल चला दिए गए हैं, वगरना वो जो है ना आग जो लगी हुई कुछ उसके असरात बाकी हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ हमारी तरफ भी आ गई थी, लेकिन हमने जो है ना वो आग नहीं लगाई, हमने जो है ना धान की बागियात को अपने जो है ना बाहर निकाल दिया, और हो सका तो इसे जो है ना जानवरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आग हमने नहीं लगा, और करना भी इस तरह चाहिए। आग लगाने से एक तो हमारी जो है ना ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, इनकी नमकियात ख़त्म हो जाती हैं, और दूसरा ये फ़िज़ा के लिए बहुत जो है ना वो ख़तरनाक है। और ये हमारी खड़ी है जी होंडा सिविक CD70, मैंने यहीं पे खड़ी की थी, आगे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सफ़र है, तो मैं पैदल चल के गया था, क्योंकि मैं जो है ना थोड़ा ड्राइवर कच्चा हूँ, ख़ासकर इन बन्नों पर, सड़क पे मैं सही चला लेता हूँ लेकिन इन पर मैं नहीं सही चला सकता, तो इसी वजह से इन्हें मैं थोड़ा दूर खड़ा किया, फिर भी मैं काफ़ी सफ़र तय करके आया हूँ, और मतलब ट्राई करते करते यहाँ पे भी अच्छा ड्राइवर बन जाऊँगा। और दोस्तों ये है सरसों का साग जो कि हमारा है, और इसे हम सारा जो है ना सर्दियाँ इस्तेमाल करेंगे, एक जो है ना वो ख़त्म होगा तो दूसरा तैयार होगा,
और इस तरफ जो है हमने धान वगैरह काश्त कर दी है, ये भी और वो जो आगे आपको फूल नज़र आ रहे हैं सरसों के, वो भी हमारा ही है। और दरमियान में जो है वो बेर जो है गंदम है, सॉरी धान का नाम आ गया था पहले। और इस तरफ ये जो धान की बाकियात हैं यहाँ पे अभी हल चलाने। दोस्तों वाह साड़ी का वाड़ मुंजी सजी सजी बढ़ी थी तो बंदे अपने डंगर वगैरह इतने छोड़ देते हैं, साबी साबी मुंजी से ना अपना पंजाबी तो चास अपनी है, उर्दू चास से मैं कंफर्टेबल महसूस करें ना, लेकिन पंजाबी की और गल है बात, पंजाबी बोलना मजा आता। माज के उत्ते काल कड़ीछी पर बाबा मदर अपन छेड़ी बदा, हाँ बदा ने बाबा मदर डंगर छेड़ी बाबा मदर मौज बनी ना वही हाय तो सिन्नी है तलू वे। बाबा मदर अगे मौज आई है हूँ अगे भाई तुम आस नाल छंगे आ तो हूँ मशीन लग पी हूँ 47-48 सौ आ चाचा अफजा खोती पीड़ी खा खोती खोती तो उत्ते अपने पराले लाद के हूँ वड्डी वढ़ाई अपना मौज है दोस्तों आज के व्लॉग के साथ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप देख सकें नए आने वाले व्लॉग, और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।